भविष्य में ग्रेटर सीकर में काबिल होने के लिए सामने आएगा। ये आपका मेहनत है। एडीसी इलेक्शन जीतने के बाद सब लोग को लगता है कि हम लोग पावर में, कहां पावर है एडीसी का? कुछ नहीं है एडीसी। एडीसी से तो ज्यादा पावरफुल अगर पता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आज अगर तला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एडीसी से ज्यादा रुपया आता है। आज हम लोग का ये राज्य में कोई सुविधा नहीं है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर सबका साथ सबका विकास है तो गांव में हम लोग का पिपरासा को क्यों मुर्गी बंदर जैसा रखा जाता है? मुर्गी दिया, कहीं में बकरी दिया, कहीं में सुअर दिया, जाओ यार डीडी डिपार्टमेंट से जाओ जाओ जाओ। और यहां में बच्चा को लैपटॉप कंप्यूटर, तो आपका बच्चा पूरा जिंदगी बकरी और सुअर पालेगा और यहां में कंप्यूटर इंजीनियर कोई और बनेगा? क्या ही है? पुलिस बिल पास करना है तो बोलता है रुपया नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है रुपया नहीं, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए रुपया है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रुपया खाएगा। मैं जानता हूं क्या सिंडिकेट चल रहा है, मैं जानता हूं कि कौन कितना कट कमाने का कोशिश में। भूभागरा पॉलिटिक्स में नहीं आया कि किसी से रुपया छीन के आपको डिनाई करें। मैं आया हूं आपको कुछ देने के लिए और इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं YTF का बड़ा काम है कि करप्शन को रोकने के लिए आप करप्शन को रोको। ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये लोग जो आज पिपरा मौथा में आकर कॉन्ट्रैक्टर गिरी का बात कर रहा है ना, कल जब पिपरा मौथा में नहीं होगा आपको लात मार के दूसरा पार्टी में चला जाएगा क्योंकि पैसा वहां में है। उनका कमिटमेंट पिपरा लैंड के लिए नहीं है, उनका कमिटमेंट सिर्फ रंग कमाने के लिए है। आप लोग उसको काउंटर करो। आज ONGC को हमने काउंटर किया, इसलिए आज बिना परमिशन का ONGC काम नहीं कर सकता है। पिपरा मौथा YTF में बहुत पावर है, लेकिन आपको अपना पावर समझना पड़ेगा। किसी दिन मैंने देखा, और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, हम लोग का भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी औरत के ऊपर वो भूभागरा को गाली भी बके, वो भूभागरा को गाली भी बके, हमको कुछ भी बोले, आप लोगों को उसके ऊपर गाली नहीं बकना चाहिए। ये पिपरा मौथा YTF मेरा पार्टी है, बुरोई को सम्मान करो, वो कोई भी हो, धोखा दिया है जो भी है, हाँ आप पॉलिटिकली काउंटर करो उसको, लेकिन उसको नाम बुलाकर गाली देना शोभा नहीं देता। अपना एक सम्मान रखो। अगर आज आप एक बुरोई का इज्जत नहीं कर सकता है तो भूमा बदल और बुरी बदल में हम लोग कैसा इज्जत देंगे? तो मैं आपको अनुरोध करता हूं, इग्नोर करो, इग्नोर करो, उसको रिएक्ट करके आप उठा रहा है, इसको कंप्लीटली इग्नोर करो और गाली मत दो। हां काउंटर करना है पॉलिटिक्स में काउंटर करो, लेकिन पर्सनल रिमार्क मत करो, ये शोभा नहीं देता। और आप जानता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जानता है कि नहीं? उसको गाली मत दो, उसका मां बाप का उसको गाली मत दो। क्या मिल रहा है? वो भी शायद एक दिन हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन पर्सनल होकर किसी को गाली देने से, मैं हॉस्पिटल में था मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पिपरा सा एक पिपरा सा औरत को गाली दे। प्लीज मैं YTF को ओपनली बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, मैं आपसे अकेला हर से तो मैं इंडिविजुअली जाके बोल नहीं सकता, मत बोलो मत बोलो, नहीं आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोलूं, मत करो। और मैं आपको एक बात और बोलने वाला, सुरमा में क्या फाइट किया हूं,
और YTF ने क्या फाइट किया? सबसे पहले मैं YTF को, यहां में है हम लोग का लीडर्स लोग, पिकॉल इज ऑल्सो देयर, आई मिस पिकॉल, ग्रेट फाइट। आज अगर हम लोग सेकंड पोजीशन में आया है सुरमा में, तो YTF का भी बहुत बड़ा हाथ है हम लोग का। और मैं आपको बोल रहा हूं कि 2023 छह महीने के लिए बीजेपी का एमएलए है, 2023 से 2028 में, यहां मैं सतनामी भी है, मैं आपको बोल रहा हूं 2023 से 2028 में एमएलए की परामर्था का होगा, आप देखेंगे। लेकिन काम अभी से शुरू होगा, काम अभी से शुरू होगा। इस बार YTF को मैं ओपनली बोल रहा हूं कि तिपरा मोथा 40 सीट में फाइट करेगा। सब बड़ा नेता को वो 20 सीट के लिए भाग रहे हैं, और बाकी का 20 सीट पे कौन फाइट करेगा? आप लोगों को रेडी होना है, आप लोगों को रेडी होना है, क्योंकि आप लोग हारेगा तभी भी आप जीतेगा नेक्स्ट, और नहीं हारा और जीत गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन चांस लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने रुनेल को बोला है आज कि इस बार मीटिंग रखो, सुहेल को मैंने बोला कि मीटिंग रखो, जनरल सीट से भी YTF को फाइट करना पड़ेगा, आप लोगों को सेफ सीट नहीं होगी। पानी सागर हो, अमरपुर हो, मोहनपुर हो, मजलिशपुर हो, बामूटिया हो, बक्सनगर हो, धनपुर हो, माताबारी हो, चंदीपुर हो, कमलपुर हो, कल्याणपुर हो, और भी बहुत सीट से हम लोग को फाइट करना है। और फाइट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ऋषिमुख हो, साबरूम हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, फाइट करना है जीतने के लिए, सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं, फाइट करना है जीतने के लिए। और अगर हम लोग जीत नहीं सका तो उनको भी जीतने नहीं देगा, उनको भी जीतने नहीं देगा। हमेशा हमने कॉम्प्रोमाइज किए अलायंस करके, हमेशा, इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो भी अगर कोई भी किसी भी पार्टी को हमसे बात करना है, पहले राइटिंग में दो, और वो राइटिंग में लिखने के बाद मैं आपके सामने देना चाहता हूं, ये देखो क्या लगा, ठीक, हां, नहीं ठीक, नो। लेकिन ये लुकी छुपा का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आप लोग ने, सुहेल ने बोला, हताई कतौर में आप लोग ने रोड ब्लॉकेज किए, सैक्रिफाइस किया आईपीएफटी ने, यूथ आईपीएफटी ने बहुत सैक्रिफाइस किया, क्या मिला आपको, क्या मिला? किसी को बीएससी चेयरमैन, किसी को एमएलए, किसी को मंत्री, क्या मिला तिपरासा को? 13 लाख तिपरासा को क्या मिला? ये जो फाइट है, ये हम लोग का ये फाइट नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 13 लाख तिपरासा के लिए फाइट है। और मुझे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अच्छा नाम कमाना, और ये मेरा लास्ट फाइट है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तभी भी मैं, महारानी मुझे बोलता है कि आप हॉस्पिटल जाओ, कोई बोलता है कि आप आराम करो, तभी भी मैं फाइट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया, आप लोग भी, आपके बीच में भी गैप है, गैप को कम करो। आप लोग सब अपना बगल में जो पिपरासा है उसको देखो, देखो जो आपके साइड में, देखो एक दूसरे, कौन है आपके साइड में, देखो साधन आपके बगल में कौन है, तपन आपके बगल में कौन है, आपका बगल में कौन है, आपका बगल में कौन? लेकिन आप उससे लड़ता है, आप उससे लड़ रहे हैं। अरे फाइट करना है तो समझो कि किससे फाइट करना है आपको।
70 साल से आप अपना बगल के आदमी से फाइट कर रहे हैं, इसके लिए हार रहे हैं। आज मैं थमसा क्यों बोलना चाहता हूं, ये ग्रेटर पीपलाइन सिर्फ मोथा के लिए नहीं है, ये ग्रेटर पीपलाइन सब पिपरासा के लिए, जो बीजेपी में है उसके लिए भी है, जो सीपीएम में है उसके लिए भी है, जो कांग्रेस में उसके लिए भी है, जो आईपीएससी में उसके लिए भी है। ये ग्रेटर पीपलाइन सब पिपरासा के लिए है, लेकिन जो दूसरा पार्टी में है उनको लगता है कि नहीं होगा, हम लोग बोलता है होगा, उनके दिल में भी पीपलाइन है लेकिन वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप वो विश्वास आप अपने अंदर करो, और जिस दिन पिपरा लोग जीतने लगेगा ना, ये लोग जो बोलता है कि पिपरा लाइन होबे ना, जो हम लोग के बुकिंग वाला लोग है, इनको भी लगेगा कि हाँ चांस है, और जब चांस होगा, जब फांसा होगा, तब हम लोग बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सीपीएम से हो, मोथा से हो, हम लोग दिल्ली में एक आवाज में जाकर प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, देखिए हम लोग सब एक आवाज में बोल रहे हैं कि हम लोग का संघ 70 साल से अन्याय हुआ है, हम लोग कोई भी बंगाली मुसलमान क्रिश्चियन मणिपुरी किसी के खिलाफ भी नहीं, उनको जो अधिकार है उनका अधिकार है, उनको शांति से रहने दो, हम लोगों को अपना अधिकार, हम उनका अधिकार नहीं छीन रहे, हम अपने बारे अधिकार मांग रहे। 70 साल से आपको बोला गया है कि अगर आप बंगाली को मारेगा तो आपको आपका अधिकार मिलेगा, नहीं, किसी को मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अधिकार, आपका अधिकार देने का पावर वो बंगाली के पास नहीं है, वो मणिपुरी के पास नहीं है, वो मुसलमान के पास नहीं है, वो चाय बागान के वर्कर के पास नहीं है, वो पावर दिल्ली का सरकार के पास। तो जब दिल्ली हम लोग जाता है तो हमको बोलना है कि हमको किसी के संग प्रॉब्लम नहीं है, आप हम हमारे साथ न्याय करो, क्योंकि ये स्टेट हम लोग का पिपरासा का था, आज हम लोग का ये पोजीशन है, आप हम लोग को न्याय दो। आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आप इंडिया का होम मिनिस्टर है, आप हमारे साथ न्याय करो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब बुबागरा दिल्ली जाता है तो ऐसा करके नहीं जाता है, हानी भूसा बन के जाता है, वीर विक्रम का नाती बन के जाता है। मैंने देखा है, मैंने देखा है, प्राइवेटली रेवती चोपड़ा भी बोलता है कि मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं भी कांग्रेस में था, पार्टी से बाहर नहीं निकल, जिस दिन निकला उस दिन दिल खुल के बात। जितेंद्र चौधरी भी चाहता है लेकिन निकल के बोल नहीं सकता क्योंकि पार्टी में है, लेकिन ये पार्टी 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 करते करते 70 साल चला गया, हम लोग छोटा 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 होकर इतना हो गया है। अब पार्टी को छोड़ो, अब अपना पिपरासा के बारे बात करो, क्योंकि पार्टी कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन पिपरासा अगर दफा नहीं रहेगा तो क्या पार्टी करेगा। YTF को अगर मैंने स्ट्रॉन्ग किया, बुरी बोतल को स्ट्रॉन्ग किया, मथा को स्ट्रॉन्ग किया, तब ये सोच आएगा अंदर में, एक सोच अंदर में आग होना चाहिए आपका, लेकिन ये आग किसी को मारने के लिए नहीं, ये आग होना चाहिए कि किसी को समझाने के लिए जो समझता नहीं है। आपका कामी में एक सीपीएम का घर होगा, वो बोलता कि प्रेरण होवे ना, आप उसको समझाओ, वो अंदर में आग रखो कि वो उसको समझाने का आपका क्षमता होना चाहिए। बीजेपी का घर में जाके समझाओ कि हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, ये आपके अंदर पावर होना चाहिए। घर घर में जाके बात करो और बोलो कि मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, बुबागरा को सीएम नहीं बनना है, यहां में विप्लव देव बोलता आप सीएम बन जाओ, विप्लव देव वर्मा है यहां बोलता महाराज आप सीएम बनो, क्या करेगा सीएम बनके, 13 लाख पिपरासा का क्या होगा, सीएम बन गया 13 लाख पिपरासा को बेच दो, परमानेंट नहीं है ये सीएम का पोस्ट, लेकिन परमानेंट ग्रेटर पीपलाइन हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग किया।
और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका झगड़ा त्रिपुरा में बंगाली के खिलाफ नहीं है, ये दिल्ली को देना है। यहां का लोगों ने आपको नहीं ब्लॉक किया है, दिल्ली आज तक 70 साल से समझ नहीं सका, ना कांग्रेस समझा, ना सीपीएम समझा, ना बीजेपी समझ रहा है। हमारा काम है दिल्ली जाकर उनको समझाना कि हम किसी को किसी के खिलाफ नहीं, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते, जो त्रिपुरा में है उनको रहने दो, अपना मुकुम बारा लोगों को हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, उसमें आप विचार करो, क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल के बारे बात। और ये 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़ वो तभी भी आ जाएगा आपके पास। आपका दायित्व तो बनता है कि हमको वो पैसा दे, लेकिन आपका दायित्व तो ये भी बनता है कि पैसे से पहले आप हमारा जाति को सुरक्षा दे, क्योंकि सबसे पहले इंडियन हम लोग था, 1949 से हम लोग हिंदुस्तान का एक अंग है, 1949 से। और जो लोग बाद में आए हैं उनको भी आपने सुरक्षा दिया है, ठीक है, लेकिन जो पहले से इंडिया का है उनको भी आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। कुछ गलत बात बोल रहा हूं मैं? तो ये लोग, अरे महाराजा तो जिन्ना है, महाराजा तो देशद्रोही है, अरे इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं YTA प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, वर्किंग प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, इंचार्ज को बोल रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 1 महीने में आपका प्रोग्राम होना चाहिए, करेगा कि नहीं? लेकिन बुबागरा आपको फोन करके नहीं बोलेगा यहां में हुआ नहीं हुआ, आपको करना है हर डिस्ट्रिक्ट में। और मेंबरशिप फॉर्म आपको दिया गया है, मुझे जुलाई के अंत तक वो सब मेंबरशिप फॉर्म चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में टीपरा मोथा नहीं जीतेगा अगर YTF टीपरा मोथा के साथ नहीं है। मैं जानता हूं आपका पावर, मैं जानता हूं आपका पावर, इसके लिए मैंने आपको सम्मान दिया, इसके लिए आपके लिए अलग से फ्लैग प्रिंट किया, इसी के लिए आपको अलग से बैच दिया, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी लगना चाहिए हमारा पार्टी, इससे पहले किसी ने, आप यूथ IPFT को देख लो, उनका झंडा कहीं में नहीं मिलता, उनको बैच नहीं मिलता था, उनको आदर नहीं मिलता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस किसने दिया है? यहां में सोहेल है, यहां में राजेश है, यहां में रुनिल है, सौदागर है, देवजीत है, सब यूथ है। सबसे ज्यादा चांस हमने यूथ को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूथ के पास पावर है फाइट करने के लिए। मैं बुरी को देना चाहता हूं, बुमा को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब एक बार बुरी और बुमा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया, वो इधर से उधर नहीं जाएगा। सीनियर भी चाहिए, रविंद्र बाबू है यहां, विजय कुमार रामखोल है, सीनियर्स है वो, उन्होंने जिंदगी देखा है, उनका भी बात आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपको 6 महीना मुझे देना पड़ेगा, आप लोग 6 महीना बुबागरा को दे सकता है कि नहीं? Yes, अगर दे सकता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहां से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना जिंदगी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो देके रहूंगा, मैं ही आपको कमीशन देता हूं। सब लोग बोलता है कि महाराजा लास्ट मोमेंट में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा बीजेपी के साथ। मैं जब राजबाड़ी न्यूयुमा में जाता हूं तो देखता हूं महाराजा वीर विक्रम, महाराजा किरण विक्रम, वीरेंद्र किशोर माणिक्य, राधा किशोर माणिक्य, दुर्गा माणिक्य, रत्न माणिक्य, उनका फोटो देखने के बाद मैं अपने आप को सोच के बोलता हूं, वीर चंद्र महाराजा देख के बोलता हूं कि इतना महाराजा लोग, मैं उनका खून हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता अपने लोगों को। आज मैं यहां में आया हूं ना, मैं धोखा नहीं दे सकता आपको, यहां में कुछ बोल के वहां में कुछ और करना मुझसे नहीं होगा,
हां मेरा बहुत लीडर लोग मुझे धोखा देगा, मैं जानता हूं। लास्ट मोमेंट में बहुत लोग ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो गया है, जो गाली बकेगा क्योंकि उनको सीट नहीं मिला, किसी को पोस्ट नहीं मिला, तो जाएगा बहुत लोग। लेकिन ये फाइट वो लीडर के लिए नहीं है, ये फाइट हमारा 13 लाख पिपरासा जो गांव में बैठा हुआ है उनके लिए। अगर लीडर को खुश करना है तो लो रुपए जाओ, बैठ जाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना 13 लाख पिपरासा जो गांव में आशा करके बैठा है, अरे मुबागरा कुछ देगा, अरे पिपरा मोथा फाइट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन फूल लेके बाहर आता है, उनको कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कहां का राजा है, कौन कहां का शहंशाह है, जो हम लोग वो चिकन चिकन बोलते रहता, उसके बाद 2023 के बाद दिखाएगा कि चिकन कौन है और बड़ा कौन है। आप लोग अगले एक महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होगा आपका, हर ब्लॉक में 38 ब्लॉक्स में जितना छोटा भी हो बड़ा भी हो आप लोग मीटिंग करना, सबको लेके। वो हमसे बात नहीं करेगा, वो ब्लॉक मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, और उसके बाद हम लोग एक पूरा कन्वेंशन करेंगे YTF का। उस टाइम एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे कि जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन होगा नेक्स्ट मीटिंग में कहीं भी करे, साउथ में करे, मुंगिया कामी में करे, अम्बासा में करे, हुमुलुंग में करे, ख्वाई में करे, कंचनपुर में करे, कहीं भी करे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और जहां में 5000 यूथ को हम लोग इकट्ठा, उन्हीं यूथ को इकट्ठा करके, ऑफिस बेयर्स को इकट्ठा करके एक प्रॉमिस लेंगे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने सिद्धांत में। और उस टाइम आप लोग किसी ने, सूरज ने बोला, महाराज बंदूक है हम लोग गोली है, नहीं ना महाराज बंदूक है ना आप गोली है, मैं भुबागरा हूं और आप पिपरासा है, हम लोग दोनों एक है। ये बंदूक और गोली का कल्चर छोड़ो, गोली किसी को देख के नहीं मारता है, हर गोली में किसी का नाम होता है। आप लोग भी पिपरासा है, आपका भी नाम है, आपका भी कामी है, आपका भी दायित्व है। आप लोग अपना दायित्व को समझो, अपना कामी को समझो, जो आपके साथ नहीं है उनको समझाओ, और जैसे मैंने बोला किसी को गाली मत दो, स्पेशली बुरी को गाली मत दो, और अपने काम में रहो। ये लोग हम लोगों का फोकस हटा के, हम लोग का फोकस होना चाहिए किसमें, ग्रेटर पीपल लाइन, हां कि नहीं। लेकिन ये लोग क्या चाहता है कि फोकस हटके दारलोंग, चुरई, रियांग, जमतिया, देव वर्मा, त्रिपुरा, कोलोय, मोलसोम, काइपे, ये नहीं, हम लोग सब एक है, हम लोग सब भाई है। और होली आपने बोला 19 ट्राइब, अब 20 हो गया है, दारलोंग भी हम लोग का, हां कि नहीं, तो 20 का 20 ट्राइब, हम लोग सबको एक होके 6 महीना फाइट करना, और 6 महीने के बाद आप देखना एक पूरा इंडिया देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला है जोर से चिल्ला के भाषण मत दो, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा शांत रहो, तभी भी मैं यहां में आया हूं, तबीयत बहुत खराब, लेकिन मेरा दवाई क्या है जानता है, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा वो दवाई, वो बिथी ना, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा, वो बिथी है ग्रेटर पिपरालैंड, वो बिथी है हमारा भूमा का आशीर्वाद प्यार, वो बिथी है आपके आंख में आपका हौसला, हमको वो चाहिए। और मैं आपको आज भुबागरा बन की नहीं,
पिपरासा बन के, जैसा राजेश ने बोला, पिपरासा बन के हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूं, मुझे और दुख मत कर दो। मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो अपना दोहा के बारे सोचो, अपना कामी के बारे सोचो, सबको हेल्प करो। नेतागिरी को छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें। मैं छोड़ूंगा, मैं भी पॉलिटिक्स छोड़ूंगा, मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूं, मैं भी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, और अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो YTF प्लीज, पूरा दुनिया बदल जाए, YTF को एक होके थानसा रख के आगे चलना चाहिए। आज मैंने कोई जोर से भाषण नहीं दिया, फायरी स्पीच नहीं दिया, मैंने एक दो लोगों को फोन किया था ये मीटिंग के पहले, जेम्स आई कॉल्ड यू अप, आपको ये बात समझाने के लिए, धनंजय आपको समझाने के लिए। ग्रुपिज्म से कुछ नहीं मिलेगा। रश्मिक आप MLA नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन आज से 50 साल बाद जब एक किताब लिखा जाएगा ना, तो ये फोटो आज का कन्वेंशन का फोटो जाएगा, और आप जब अपना बच्चा को, अपना पोता को बोलो, ए देखो ये फोटो में हम लोग था यहाँ में, और हम लोग पीपल एंड के लिए फाइट किया, हम लोगों को करना है। हम लोग जिंदा नहीं रहेगा, रविंद्र बाबू हम लोग नहीं जिंदा रहेगा, आप लोग तभी भी बुढ़ा होकर बच्चा को दिखा सकते, देखो यहाँ में ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब था, और हम लोग ने फाइट किया है, और हम लोग ने कुछ हासिल किया, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ कि नहीं? और विप्लव, यू गॉट माई आइडिया, मैं बुबागरा हूँ, बुबागरा परमानेंट है, CM टेम्प्रेरी है, टिपरासा ने एक पोजीशन बनाया है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बड़ा है, वो है बुबागरा का पोजीशन। और बुबागरा का काम टिपरासा के पास जाकर उनको बांटने का नहीं है, उनका खानसा करने का। जिस दिन हमको अपना ये लक्ष्य मिल जाएगा, मैं वापस जो बुबागरा का कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो करना चाहता हूँ। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, MDC प्रदूत बोल के, उनको मजाक उड़ाने दीजिए, उनके पास इश्यू नहीं है, उनके पास इश्यू ही नहीं है, इसके लिए ये लोग आपको गुस्सा कराकर आपसे रिएक्शन चाहते हैं। आप लोग गुस्सा मत करो, ठीक है? और वी शुड बी रेडी, we should be ready to fight for one last fight. हाँ कि नहीं? Yes. रविंद्र बाबू? Yes. Yes. रविंद्र बाबू को भी पर्सनली अटैक किया गया, आज किसी और को पर्सनली अटैक किया जा रहा है, ये लोग करेगा ये सब चीज। आप लोगों को इस बार ना लेफ्ट देखना है ना राइट, लेफ्ट में लेफ्ट है, राइट में राइट विंग है, आपको सीधा देखना है, जो ग्रेटर टिपरा लैंड को सपोर्ट करेगा बुबागरा और टिपरासा उसके साथ रहेगा, जो अपोज करेगा हम लोग उनको इलेक्शन में हराएगा, और हम लोग 2023 में पावर में